नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ वंदना पुरोहित और आपको सुना रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी दादी का साथ। प्रिया आज ऑफिस से आते ही बड़बड़ा रही थी। तुम्हारी माँ गांव से आ रही है, उनका ध्यान कौन रखेगा? आरव भी उनके साथ रहकर गांव की भाषा सीख जाएगा। सुनील बोला, थोड़े दिनों की तो बात है प्रिया, भाई साहब आएंगे तब माँ को वापस गांव भिजवा दूंगा। सुनील की माँ कृष्णा जी गांव से आकर उनके साथ रहने लगी। तभी एक दिन कृष्णा जी टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। उसी समय आरव आया और उनके हाथ से रिमोट छीन कर अपना कार्टून चैनल लगा कर देखने लगा। कृष्णा जी ने मना किया, लेकिन पोते के आगे उनकी एक न चली। वैसे भी आरव दिन भर टीवी और मोबाइल में ही आंखें गड़ाए रहता था। कृष्णा जी को उसका व्यवहार व बोली किसी कार्टून करेक्टर से कम न लगती। वो जैसी भाषा कार्टून चैनल पर सुनता वैसी ही बोलता भी था। सुनील और प्रिया तो अपनी जॉब में ही व्यस्त थे। प्रिया थोड़ी देर घर का काम काज करती, तब आरव को मोबाइल थमाकर और अपने काम में व्यस्त हो जाती। कृष्णा जी आरव के लिए कई बार चिंतित होकर सुनील व प्रिया को कहती, लेकिन वह अपनी व्यस्तता बताकर फ्री हो जाते। कृष्णा जी उसके बाल मन पर पड़ रहे प्रभाव से काफी चिंतित थी। एक दिन कृष्णा जी ने आरव को अपने पास बुलाया और अपने गांव की बातें करने लगी। वहां बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते थे और पुराने जमाने के बाइस्कोप के बारे में भी बताया कि उसमें वे कैसे फिल्म देखती थी। अब तो रोजाना दादी से नई नई बातें सुनने का शौक लग गया। टीवी मोबाइल भी पहले से कम काम में लेने लगा। कभी कभी कृष्णा जी उसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव, श्रवण कुमार आदि की कहानियां सुनाती। उन कहानियों के सुनने से धीरे धीरे आरव में परिवर्तन आने लगा। अब आरव हर वक्त दादी के साथ रहता, रात को सोते वक्त एक कहानी दादी से सुने बिना न रहता। उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सुनील और प्रिया को भी नजर आने लगे थे। एक दिन दोनों ने कृष्णा जी से कहा, वास्तव में दादी दादी ही होती है। माँ आपके साथ ने तो आरव को बदल ही दिया। हम चाहते हैं माँ कि अब आप गांव न जाएं, यहीं रहें। मम्मी पापा की बातें सुनकर आरव भी खुशी खुशी दादी के गले लगकर कहने लगा, दादी अब तो आपके साथ बहुत मजा आएगा, रोजाना आपसे नई नई कहानियां सुनूंगा। दादी ने खुशी से पोते को गले लगा लिया। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे वंदना पुरोहित की आवाज में उनकी लिखी कहानी दादी का साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।